नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। बताना चाहेंगे आपको कि अंशु सिंह ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ये कहा गया कि समाज के वंचित तबकों की मदद से मिलने वाले सुकून की तुलना किसी अन्य चीज से नहीं की जा सकती है। वही कार्यक्रम में इंटीरियर डिजाइनर रूपाली अग्रवाल चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रही हैं। तो मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही साथ कई महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है, साथ ही साथ महिलाओं को सम्मानित भी यहां पर किया गया है। बताना चाहेंगे कि लेडीज क्लब में हुए कार्यक्रम में वाइस प्रेसिडेंट अंशु सिंह ने ये कहा कि ये उन सभी महिलाओं का सम्मान है जो अपने खर्चों को कम करके समाज की सेवा करती है। वहीं अंशु सिंह ने आगे कहा कि समाज के वंचित तबकों की मदद से मिलने वाले सुकून की तुलना किसी अन्य चीज से नहीं की जा सकती। वहीं बरेली में चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर पुलिस ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रविवार को बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला सराय के रहने वाले 15,000 के इनामी स्मैक तस्कर रिफाकत पुत्र शेखावत के खिलाफ संपत्ति जब्ती कर की कार्रवाई की गई है। बताना चाहेंगे कि इसके तहत पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ 8.5 करोड़ की संपत्ति भी उनकी जब्त की और पुलिस के इस कार्रवाई से एक बार फिर बरेली के ड्रग तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस कुख्यात ड्रग तस्कर के मामले की रिपोर्ट एनसीआरबी को भी भेजी है। वहीं पुलिस ने जब्ती कर के तहत तस्कर के कई बैंक अकाउंट भी सीज करते हुए बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के साथ ही लग्जरी कार और कई दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। वहीं रूस का युद्ध छेड़ने के बाद यूक्रेन में सबसे बुरे हालात खार्किव शहर के हैं। वहां झांसी के विभू प्रजापति फंसे हुए थे। रविवार को सुरक्षित झांसी पहुंचने पर विभू ने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि हमले के बाद वे 5 दिन खार्किव में अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन में छुपे हुए थे और उन 5 दिनों में हर दिन मौत से सामना हुआ। शहर बमबारी से दहल रहा था। मौत के बीच खाना खाने फ्लैट पर अपने जाना पड़ता था और हालात दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते रहे। तब फैसला किया कि इधर से निकलना ही ठीक रहेगा और अपनी जान जोखिम में डालकर 28 घंटे सफ़र कर वे पोलैंड बॉर्डर पहुंचे। वहीं इसके बाद बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें राहत की सांस ली और झांसी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने डिफेंस कॉलोनी निवासी विभू पुत्र रामलाल प्रजापति 2017 में MBBS करने खार्किव गए हुए थे। वहीं आगे विभू ने बताया कि वहां के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे थे। तब उसने इंडिया आने के लिए 26 फरवरी की फ्लाइट बुक की। वहीं 23 फरवरी की रात को सामान पैक कर लिया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वाराणसी जिले में 400 से अधिक पोलिंग बूथ बढ़े हैं और इससे कई मतदाताओं के बूथ में भी परिवर्तित हुए हैं और ये बूथ लोकसभा के पिछले चुनाव के बूथ से काफ़ी अलग हो सकते हैं। कुछ पुराने ही भवन के नए कमरे में ये कुछ नए भवन में भी हो सकते हैं और इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि सभी मतदाता अपना बूथ नंबर, भवन और उस बूथ पर अपना वोटर क्रमांक जाने। और ये जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। उनके विकल्पों की मदद से मतदाता अपने मोबाइल पर ही जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बुलंदशहर के डिबई थाना क्षेत्र स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार को धमाके से लोग सहम किए। कैंटीन में सिलेंडर फटने से 20 लोग घायल हुए हैं। इनमें 15 छात्र और 5 स्टाफ बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में 5 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे में घायल छात्रों को डिबाई के CHC में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं आसपास के लोगों ने ये बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की कैंटीन में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया। वहीं धमाका इतना तेज था कि आसपास के 2 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। वहीं हादसे के बाद छात्रावास में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल रुकते एक छोर से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे।